देखिए, आज मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज फोर मेट्रो है, जो एक 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन अब ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है, 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मेजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवर लेस ट्रेन है ये, अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवर लेस ट्रेन्स चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज गति से एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी NCR के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो NCR की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो NCR में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, आज मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज फोर मेट्रो है, जो एक 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन अब ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है, 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मेजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवर लेस ट्रेन है ये, अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवर लेस ट्रेन्स चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज गति से एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी NCR के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 के इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो NCR की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो NCR में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो, माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन, धान पनीपरिया और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए, आज ही जमीन प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।